हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं प्रेगनेंसी किसी भी लेडी के लिए कितना अच्छा फेज़ होता है, लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी आपकी पहली प्रेगनेंसी होती है तो आपको कई सारे डाउट्स भी होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट में एक लाइन का हल्का पिंक आना, तो उसका क्या मतलब होता है? तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हल्की पिंक लाइन अगर आती है तो उसके क्या रीजंस होते हैं। इसके दो मेन रीज़न होते हैं जो आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर आपके पीरियड रेगुलर हैं और अगर पीरियड मिस होता है तो आप उसके 2 से 3 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं अपनी घर पर ही, जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है उससे। बट कभी कभी उसमें एक लाइन काफ़ी हल्की आती है, एक लाइन डार्क आती है, एक लाइन हल्की आती है, तो हम डाउट में आ जाते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो ये लाइन हल्की क्यों आ रही है। तो इसके दो मेन रीज़न होते हैं। पहला रीज़न है अर्ली प्रेगनेंसी है, यानी एचसीजी अभी कम है और अभी आपने जो कंसीव किया है उसे ज़्यादा दिन नहीं हुए, जिसकी वजह से ये लाइन हल्की आई है। अगर आप कुछ दिन बाद चेक करेंगे तो लाइन डार्क हो जाएगी, क्योंकि एससीजी लेवल बढ़ जाएगा। सेकंड है इसका रीज़न कि जो प्रेगनेंसी यूटेरस में होनी चाहिए वो यूटेरस में ना होके कहीं और हो गई है, जो कि एक रॉन्ग प्रेगनेंसी होती है, जिसकी वजह से भी एक लाइन लाइट आती है। तो उस केस में आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना होगा। अगर प्रेगनेंसी यूटेरस में नहीं होती है तो वो ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं पाती है, इसलिए तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना होगा आपको। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।